हे हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो कार सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने है द ऑल न्यू होंडा अमेज का VX मॉडल। अगर प्राइस की बात करें तो 8,79,000, 8.89 लाख रुपीस एक्स शोरूम कीमत है, 8,90,000 के करीब जो कि एक्स शोरूम पड़ती है। तो इतनी प्राइस में आपको ये वाला मॉडल लेना चाहिए या नहीं, ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। क्या इसमें फ़ीचर्स आते हैं और कैसा कम्फर्ट है इस गाड़ी के अंदर, और लग्जरीनेस वगैरह, इंटीरियर एक्सटीरियर सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें इसके फ्रंट फेशिया की, तो सामने की तरफ आपको क्रोम का जो फिनिश है, ग्रिल वगैरह ये सामने की तरफ मिलती है, और प्रोजेक्टर में आपको LED सेटअप यहाँ पर मिल रहा है। DRLs और टर्न इंडिकेटर की डिज़ाइन आप देख सकते हैं, काफ़ी अमेजिंग DRLs की डिज़ाइन बनाई गई है, और नीचे फॉग लैंप मिल जाते हैं। क्रोम की फिनिश यहाँ पर भी दी गई है, और ये होंडा का जो लोगो है वो सामने की तरफ बनाया है। क्रोम की जो फिनिश ग्रिल के अंदर काफ़ी अमेजिंग लग रही है, और कुछ इस तरह की जो हेडलाइट का डिज़ाइन है कुछ इस तरह का आता है होंडा अमेज के अंदर। 2023 में थोड़े से चेंजअप किए हैं होंडा अमेज ने, तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का यहाँ पर लुक है। ORVM वगैरह, टर्न इंडिकेटर साथ में इसमें दिए गए हैं, और ये है बैक लुक गाड़ी का। सी शेप में यहाँ पर जो LED टेल लैम्प्स हैं वो बनाए गए हैं, टर्न इंडिकेटर और रिफ्लेक्टर के साथ कुछ इस तरह का यहाँ पर डिज़ाइन लगता है। पीछे से होंडा सिविक का ये जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाती है होंडा, देख सकते हैं कुछ इस तरह का होंडा सिविक इंस्पायर्ड ये डिज़ाइन बनाया गया है होंडा अमेज में, जो दिखने में काफ़ी स्पोर्टी लगता है, और पीछे से थोड़ा सा ये बड़ी भी लगती है गाड़ी। तो ही कुछ इस तरह के यहाँ पर लुक्स हैं पीछे की साइड के, देख सकते हैं कुछ इस तरह के यहाँ पर LED सेटअप यहाँ पर बनाया गया है सी शेप में। यहाँ पे IVTEC की बैजिंग है, क्योंकि होंडा में इसको इस बार ओनली पेट्रोल वेरिएंट में लॉन्च किया गया है होंडा का लोगो। और पीछे की साइड कैमरा भी दिया गया है, दो लैंप है नीचे, और अमेज़ की बैजिंग यहाँ पर है, और कुछ इस तरह का डिज़ाइन है। रियर सेंसर्स पार्किंग के लिए, और क्रोम की फिनिश भी यहाँ पर दी गई है। और व्हील बेस की बात करी जाए तो 2470 mm का यहाँ पर व्हील बेस दिया गया है, देख सकते हैं। हिली एंड माउंटेड एरियाज़ पे भी आप इसको ले जा सकते हैं, थोड़ी सी ऊंची बनाई गई है गाड़ी। और डायमेंशंस की बात करें तो 3.9 मीटर की लेंथ है, 1.6 मीटर की विड्थ है, और यहाँ पर आपको माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाता है, डिफॉगर ग्लास, शार्क फिन एंटीना, और ये जो लुक्स हैं, और ये कलर है रियल में गाड़ी का ग्रे कलर, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। होंडा अमेज के अंदर ये वाला कलर काफ़ी ज़्यादा ये सेल होने वाला है, देख सकते हैं कुछ इस तरह के यहाँ पर डायमेंशंस हैं। 1.4 मीटर तक की यहाँ पर हाइट दी गई है, और अलॉय व्हील्स इस गाड़ी में रियल में काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के बनाए गए हैं, डुअल टोन में डायमंड कट अलॉय व्हील्स इसमें दिए हैं R15 इंचेस के। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, और रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। सस्पेंशन देखें तो फ्रंट में मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन मिलते हैं, और रियर में टॉर्शन बार कॉयल स्प्रिंग सस्पेंशन दिए गए हैं। क्रोम फिनिश में डोर हैंडल्स हैं, फ्रंट में आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है कुछ इस तरह से, और ये है ORVM टर्न इंडिकेटर के साथ, देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल फ्रंट वाइपर्स, और ऊपर की रूफ। तो रियल में इस कलर में काफ़ी स्टनिंग लग रही है गाड़ी। तो इंटीरियर्स के पहले मैं आपको की दिखा देता हूँ, देख सकते हैं कुछ इस तरह की आती है इसके साथ। लॉक अनलॉक और होल्ड का स्विच है, होंडा का लोगो है पीछे, और ग्लॉसी फिनिश में ये बनाई गई है, काफ़ी प्रीमियम की है। तो अब चलते हैं इंटीरियर्स की तरफ, कैसे इंटीरियर्स में आते हैं चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको बेज एंड ब्लैक का काफ़ी अमेजिंग कॉम्बिनेशन मिल जाता है देखने को, जो काफ़ी लग्जरी लगता है। होंडा सिटी के टक्कर का यहाँ पर इंटीरियर बनाया है रियल में अमेज में, इतना शानदार इंटीरियर आता है जो कि काफ़ी लग्जरी लगता है। कहीं से भी ये गाड़ी बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखती कि होंडा सिटी से बहुत ज़्यादा नीचे बनाई गई है, काफ़ी अच्छे टक्कर के यहाँ पर इंटीरियर्स में काफ़ी अच्छा काम किया गया है। हाइट एडजस्टेबल आपको यहाँ पर ड्राइवर सीट मिल जाती है, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाती है, और डैशबोर्ड की डिज़ाइन रियल में, स्टेयरिंग व्हील वगैरह काफ़ी अच्छा बनाया है, और फ्रंट डोर का जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह का है। सेटिन सिल्वर फिनिश के एलिमेंट्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, और जो बेज का कलर कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा यूज़ किया गया है कुछ इस तरह के। यहाँ पर डोर हैंडल हैं, और यहाँ पर डिज़ाइन काफ़ी अच्छी दी गई है, सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ यहाँ पर किया गया है, सेटिन सिल्वर फिनिश, और ये ORVM और विंडो कंट्रोल्स देख सकते हैं, ऑटो फोल्डेबल, और गेट पर ज़्यादातर हार्ड मटेरियल का यूज़ किया गया है,
सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर की साइड है, बॉटल होल्डर है, थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे, और स्पीकर ग्रिल। टोटल 4 स्पीकर का सेटअप आपको मिलता है सराउंड साउंड के लिए। फ्रंट एसी वेंट की डिज़ाइन कुछ इस तरह की बनाई है। और ये पुश स्टार्ट स्टॉप स्विच देख सकते हैं, ये जो लाइट ब्लिप करती है ऐसे लगता है ये ऑक्सीजन ले रही है, ये इस तरह से बनाया है। हेडलाइट लेवलिंग कंट्रोल्स और 3 पेडल्स यहाँ पर हैं, क्योंकि आप ये गाड़ी मैनुअल देख रहे हैं। तो बोनट ओपन करते हैं फिर इंजन की तरफ चलेंगे। ये बूट ओपनिंग का लीवर यहाँ पर दिया गया है। तो गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है, अब हम चलते हैं इंजन की तरफ। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 1200 सीसी का आईवी टैक पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 88 bhp की पावर और 110 nm का टॉर्क। 4 सिलेंडर इंजन है ये, देख सकते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। ऊपर इंसोलेशन नहीं दी गई, लेकिन होंडा का जो ये वाला इंजन है काफ़ी साइलेंट है और काफ़ी रिफाइंड है। BS6 2.0 फेस का ये जो इंजन है कुछ इस तरह का यहाँ पर दिखता है। भरा सा इंजन है, खाली खाली तो नहीं है, इसलिए ये जो इंजन रियल में काफ़ी अच्छा है। होंडा आई वी टेक की बैजिंग यहाँ पर है, 4 सिलेंडर, तो काफ़ी पावरफुल इंजन है वैसे। तो वापस चलते हैं इंटीरियर्स की तरफ, तो आगे देखते हैं इंटीरियर्स में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो बैठ के देखते हैं गाड़ी में अब। तो सीटिंग कंफर्ट देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा सीटिंग कंफर्ट है यहाँ पे। और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बीच में MID दी गई है और आसपास एनालॉग मीटर दिए गए हैं। यहाँ पर स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स हैं, होंडा का लोगो, SRS बैक्स की बैचिंग, और यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल्स दिए गए हैं। और ये सेटिंग जो सिल्वर फिनिश दी गई है, स्टेयरिंग व्हील को काफ़ी प्रीमियम बनाती है ये। टिल्ट के फंक्शन में आपको स्टेयरिंग व्हील मिलेगा, टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं है इसमें। और यहाँ आपको मिल जाती है 7 इंचेस इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, ऑक्स रेडियो, FM, इंटीग्रेटेड डबल डिन ऑडियो। टोटल 4 स्पीकर का सेटअप मिल जाता है, देख सकते हैं मीडिया कंजप्शन काफ़ी सारे हैं इसमें। और ये कैमरा की क्वालिटी है, बैक कैमरा कुछ इस तरह का दिखता है। होंडा को बैक कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है मुझे ऐसा लगता है, तो और भी अच्छी ये चीज़ बन सकती है। तो प्लीज़ होंडा आप कैमरे को ज़रूर अपग्रेड कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की फ्रंट एसी वेंट की डिज़ाइन है और डैशबोर्ड। ग्लव बॉक्स काफ़ी अच्छी स्टोरेज के साथ में है। और ये सेटिन सिल्वर फिनिश के एलिमेंट्स डैशबोर्ड पर डुअल लुक देते हैं ये डैशबोर्ड को। IRVM जो कि मैनुअली एडजस्टेबल है, फ्रंट केबल लैंप, सनग्लास होल्डर आपको इसमें नहीं मिलता ज़रूर, और यहाँ पर वैनिटी मिरर, और इस तरफ आपको वैनिटी मिरर नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल AC मिल जाता है, कुछ इस तरह से आप यहाँ पर कूलिंग वगैरह सेट कर सकते हैं। और इसमें आपको मैक्स कूलिंग का फीचर मिल जाता है, जो केबिन को काफ़ी जल्दी कूल कर देता है। पावर सॉकेट यहाँ पर दिया गया 12 वॉट का, 2 USB पोर्ट्स हैं। थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे है, 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं इस जगह पे। 5 स्पीड मैनुअल गियर नॉब यहाँ पे मिल जाता है लेदर रैप्ड, और थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे भी दी गई है। मैनुअल हैंड ब्रेक है, और यहाँ पे भी आपको कप होल्डर की जैसी स्पेस मिल जाती है। सीट का कंफर्ट देखा जाए तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको सीट्स पर मिलते हैं, और कुशनिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है। सीट्स की काफ़ी चौड़ी सीट यहाँ पर बनाई गई हैं, अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी सही है। और ओवरऑल लुक्स देख सकते हैं कि डैशबोर्ड डुअल टोन में और रियल में काफ़ी अच्छी जो क्वालिटी है फिट और फिनिश की, काफ़ी अमेजिंग है। तो अब चलते हैं हम रियर सीट की तरफ, तो रियर में देखते हैं कितना स्पेस है और क्या फीचर्स हैं। तो ये है इस गाड़ी के रियर इंटीरियर्स, रियर सीट के जो स्पेस है केबिन का कुछ इस तरह का यहाँ पर दिखता है। और लग्जरी का काफ़ी यहाँ पर ध्यान रखा गया है होंडा अमेज के अंदर। पीछे की सीट हैं उन पर भी आप देखिए कितना अमेजिंगली कम्फर्ट यहाँ पर दिया गया है, जो सीट का है कंफर्ट रियल में काफ़ी अच्छा बनाया है। स्पेशियस ये जो केबिन है वो लगता है। तो ओवरऑल ये है रियर इंटीरियर की सीट। और रियर डोर की डिज़ाइन अगर की बात करें तो सामने की तरफ यहाँ पर बेज कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो इस पर भी उसी लेवल पर रखा गया है जैसे फ्रंट डोर पर दिया है। सेटिन सिल्वर फिनिश डोर हैंडल है, और एक चीज़ कमी कर दी है, सेटिन सिल्वर की यहाँ पर ऊपर पट्टी जो बनाई गई थी पहले वो नहीं दी गई, और तो सारी चीज़ें वही हैं। सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ और बॉटल होल्डर, थोड़ी सी स्पेस, स्पीकर ग्रिल,
तो अब चलते हैं रियर जो केबिन है उसमें बैठ के देखते हैं सीट पे। तो यहाँ पे आपको एक पावर सॉकेट मिल जाता है, लेकिन पीछे एसी वेंट्स ज़रूर देने चाहिए थे होंडा को, बस इसी चीज़ की कमी है। और तो काफ़ी अमेजिंग यहाँ पर लग्जरी वगैरह काफ़ी अमेजिंग लेवल पे है। फिट और फिनिश, सामने डैशबोर्ड की डिज़ाइन रियर से कुछ इस तरह का दिखता है, काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। ऊपर के लिए यहाँ पर लाइट दी गई है, ग्रैब हैंडल कुछ इस तरह का यहाँ पर बनाया है। और यहाँ पर आपको आर्म रेस्ट मिल जाता है दो कप होल्डर के साथ। एडजस्टेबल ये हेडरेस्ट ज़रूर नहीं है, लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल हैं, उसी हिसाब से बनाया गया है इसको। चौड़ी सीट बनाई है पीछे के लिए। और लेग रूम की बात करें तो कुछ इस तरह के यहाँ पे लेग रूम है, मैप पॉकेट हैं, दोनों साइड भी मैप पॉकेट मिल जाएंगी। और स्पेस लेग रूम के लिए काफ़ी अच्छा है, ग्रैब हैंडल एक यहाँ पर भी दिया है। तो अब हम चलते हैं बूट की तरफ, बूट स्पेस देखते हैं रेयर इंटीरियर्स और फ्रंट इंटीरियर्स के बाद बूट स्पेस और सेफ्टी फीचर्स वगैरह की बात करेंगे। आप टेलगेट को रिमोट से भी खोल सकते हैं। तो यहाँ आपको मिल जाता है 422 लीटर का बूट स्पेस, कुछ इस तरह का यहाँ पे दिखता है, देख सकते हैं 422 लीटर का। इंसुलेशन वगैरह काफ़ी अच्छा किया गया है और आपके बड़े ट्रैवल बैग्स वगैरह इजीली यहाँ पर बन जाएंगे, ट्रैवल के पर्पज़ से भी काफ़ी अच्छी हो सकती है ये गाड़ी। यहाँ पर एक बल्ब दिया गया है हेलोजन में, रिफ्लेक्टर्स वगैरह रखे हैं, टूल किट्स यहाँ पर रखी हुई है। और इसके नीचे है यहाँ पर स्पेयर व्हील स्टील रिम के साथ, MRF का यहाँ पर टायर है। बूट स्पेस के बाद अब हम बात करेंगे इसके माइलेज की और सेफ्टी फीचर्स की। तो सबसे पहले माइलेज बताते हैं, तो इसको आप 1 लीटर पेट्रोल में 18.6 का एवरेज के हिसाब से ये होंडा क्लेम करती है इस पर 18.6 का माइलेज, और 35 लीटर का इसमें टोटल फ्यूल टैंक दिया है BS6 2.0 इंजन के साथ में। तो अब बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स में क्या क्या ऑफर करती है होंडा। तो इसमें आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, दो एयरबैग्स आपको देखने को मिलेंगे ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजर वार्निंग, एडजस्टेबल सीट, इंजन इमोबलाइजर, क्रैश सेंसर, इंजन चेक वार्निंग, EBD, एडवांस कंपेटेबल इंजीनियरिंग बॉडी स्ट्रक्चर पर बनी है ये होंडा अमेज, काफ़ी मजबूत होता है ये। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और विद ऑटोमेटिक कंट्रोल्स, लाइट सेंसर, की ऑफ रिमाइंडर, डुअल हॉर्न यहाँ पर दिए गए हैं, स्पीड अलर्ट्स बनाए गए हैं गाड़ी के अंदर, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक्स, ISO फिक्स चाइल्ड सीट माउंटिंग, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर लॉक्स, और ग्लोबल एनकैप ने 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग दी है होंडा अमेज के इस 2023 वाले वेरियंट को। तो इतने अमेजिंग सेफ्टी फीचर्स और इतने अमेजिंग डिज़ाइन और इंटीरियर्स के साथ गाड़ी आपको कैसी लगी, हमारा रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल कार सीरीज़। थैंक यू।